हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं बात करूंगी खास तौर पर आपकी तरफ से आए हुए सारे क्वेश्चंस को लेकर के, जो है केवीएस के डॉक्यूमेंट से जुड़े हुए सवाल। क्योंकि मैंने कोशिश किया कि मैं हर एक बच्चे के कमेंट का आंसर दे पाऊँ, लेकिन कभी कभी लगता है कि हम सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं अपने जवाबों से। फिर बच्चे बार बार रिस्पॉन्स करते, फिर बार बार आंसर देना पड़ता है। तो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण जो है डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। पहला आपका देखिए वो डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर मैंने वीडियो भी बनाई है, बता भी दिया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट डालने हैं। टू इम्पॉर्टेंट डाउट्स को लेकर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये आ रहा था कि डोमिसाइल को लेकर के, दूसरा सवाल आ रहा था आपका ओबीसी को लेकर के, ठीक, ओबीसी के सॉरी सर्टिफिकेट्स को लेकर के सेंट्रल और स्टेट का। देखिए डोमिसाइल जो आपका रेजिडेंस यानी रिहायशी प्रमाण पत्र है, यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं कि हमारे पास वो नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो मिसिंग है, उसको तो फुलफिल कर लीजिए। एक चीज़ ध्यान में रखिए, बजाय ये सवाल बार बार पूछने की कि भाई हमारे पास नहीं है, हम कहाँ जाएं, क्या करें, मुझे लगता है कि उसका जो जवाब है आपके आसपास के लोगों से, आपके घर में या जो आपके सुविधा केंद्र है वहां से आपको काफ़ी अच्छे से मिल सकता है। सुविधा केंद्र एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर कि जाकर के आप आसानी से अपने हर एक जो है समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। वही कि थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। तो इंटरव्यूज में अभी आप मान के चले कि ऑलमोस्ट मार्च तक का समय आपके पास है, तो मान के चले कि ऑलमोस्ट 20 से 25 दिन का समय अभी भी आपके पास है। तो अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है और अगर डोमिसाइल है और उसको अगर आपने रिन्यू नहीं कराया है, क्योंकि कई बार कुछ स्टेट्स में ही रूल होता है कि डोमिसाइल आपको बार बार रिन्यू करवाना पड़ता है, या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो भी रिन्यू होता है हमारा, ओबीसी जो सर्टिफिकेट है वो भी रिन्यू होता है हमारा स्टेट का, तो उसको अगर आप, अगर ये सारे सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास हैं, अगर उनकी डेट जा चुकी है, तो सुविधा केंद्र के जो नज़दीकी हैं वहाँ पर आपके, वहाँ पर जाकर आप इन डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से रिन्यू करवा सकते हैं, अपडेट करवा सकते हैं। ये पहली बात। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल आपकी तरफ से आ रहा था कि भाई आपने 10th स्टैंडर्ड में आपका सरनेम कुछ और, एडमिट कार्ड में आपने कुछ और लिख दिया है। देखिए पहली बात तो आपको ये गलती करनी नहीं थी, लेकिन अगर आपने ये मिस्टेक की है तो इसको सुधारने का एक ही तरीका है कि इसका एक सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर लिखिए और अपने आसपास के जो जो आपके सुविधा केंद्र और तहसील हैं वहां पर जाकर इसका एक एफिडेविट बनवा लीजिए, राइट। क्योंकि ये बहुत इजी टास्क नहीं है, इसको बार बार चेंज कराना कराना, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपका आधार कार्ड होगा, फिर आपका पैन कार्ड भी होगा, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वो भी होगा। तो ये सारी चीजें 10th स्टैंडर्ड के ऊपर ही बेस्ड होती है, तो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, और ये रिस्क कहीं ना कहीं इंटरव्यूज में एक नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर डालेगा आपके ऊपर, ठीक है। तो ये इसको जरूर एक बार करेक्ट करवा लीजिए, और टाइम अभी भी है, बजाय क्वेश्चंस पूछने का ये एक्शन लेने का टाइम है, क्योंकि आंसर कीज भी रिलीज हो चुकी है। तो आप मान के चलिए कि आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर केवीएस बहुत जल्दी से समअप करेगा चीजों को, और एक बार अगर इंटरव्यूज की डेट आ गई तो ये काफी मुश्किल टास्क हो पाएगा कि आप इंटरव्यूज की तैयारी करेंगे या फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाते फिरेंगे। और दिस इज ऑल अबाउट द सेशन। फिर भी कोई सवाल है जिसको मैंने कोशिश नहीं की है आपको फुली कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के जवाब के थ्रू, जरूर मुझे बताइएगा। आई ट्राई टू रिप्लाई योर्स कमेंट, और कोशिश करेंगे कि आपकी जितनी भी मदद हमारी तरफ से हो पा रही है, आई ट्राई टू डू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।